हाय, दिस इज मिलिंद गुना जी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड ठिकाना। और ऐसी कोई फिल्म जिसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हो, मतलब कि रोल के बारे में कि मिलिंद यू शुड डू दिस फिल्म, काफी सटीक रोल है, लेकिन जब आपने वो फिल्म किया तो आपको काफी पछतावा हुआ, रिग्रेट हुआ कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं हुआ जैसा आपको बताया गया था। एक्चुअली ऐसा आई वुड नॉट लाइक टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, समटाइम्स इट हैपन्स। सो ऐसी एक फिल्म थी सलमा पे दिल आ गया, सावन कुमार टाक की फिल्म थी वो, और बहुत बड़े डायरेक्टर, मतलब उसके पहले वाली फिल्म थी सनम बेवफा विद सलमान खान, एंड बिग हिट, और वहाँ भी स्टार कास्ट थी, प्राण साहब थे, किरण कुमार, मैं था, मैं और आयुब दो हीरो थे उसमें, और मैं सेक्रीफाइस करने वाला हीरो था उसमें, एंड सादिका करके नई हीरोइन थी मेरा वो, तभी वो भी गाना काफ़ी फेमस हुआ था, सलमा पे दिल आ गया ऐसा कुछ तो गाना था वो, ऊँट, एक ऊँट और मैं कंधे पे बंदूक लेके वो कुछ गाना गाता हूँ। तो मुझे लगा था ये सब सेम सिमिलर टाइप की स्टोरी थी, सब वैसा ही था, तो कुछ बड़ा हो जाएगा इसमें से, लेकिन हुआ ये कि उसमें मेरे कुछ सीन्स ऊँट के साथ थे। अच्छा। सो ऊँट और मैं बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा यार ये फिक्शन तो है नहीं, रियल स्टोरी है, मतलब रियल लाइफ स्टोरी जैसा बोल सकते हैं हम, मतलब कोई ऐसा ऊंट को आप कैरेक्टर जैसा भी नहीं दिखा रहे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, और अचानक से हम बात कर रहे हैं, तो एक दो बार मुझे लगा कि थोड़ा, अभी मैं तो बहुत नया था, तो मैंने बोला कि सर लगता नहीं है थोड़ा ये लग रहा है, मतलब ऑड लग रहा है, नहीं 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 हो जाएगा सब इसमें जो हो जाएगा करके बताया मुझे। तो बाद में जब वो फिल्म आई तो इतना क्रिटिसाइज हो गया मैं उन सीन्स के कारण, स्पेशली ऊंट के साथ जो बातें करती है, क्योंकि वो ऑड ही लग रहा था, मतलब तो मुझे लगता है उस पर कुछ मीम्स भी अभी भी आती है उसके ऊपर, रियलिस्टिक नहीं था वो। तो ऐसा होता है कभी कभी, तो वो कुछ विजुअलाइजेशन अलग होता है और फिर निकल कुछ अलग जाता है।